वेलकम टू इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा। मेरे आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरी समर स्किन केयर रूटीन, और मुझे लगता है इसी समर स्किन केयर रूटीन को आप भी अपने लिए फॉलो कर सकते हो। और आप सबके बारे में सोच के मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी शेयर किया है ताकि आप सब भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से प्रोडक्ट्स या फिर DIYs यूज़ कर सको। सो जो भी DIYs मैं करती हूँ वो भी मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, और साथ साथ जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं करेंगी यूज़ कर रही हूँ मेरे इस समर स्किन केयर रूटीन के लिए, वो भी मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स बिगिन। तो स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। सो फेस वॉश के लिए मेरे पास आप सबके लिए दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड DIY की भी ऑप्शन है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है पिलग्रिम स्क्वालिन फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा सा एक फेस वॉश है, और इसके साथ आपको इस तरह का ब्रिसल्स मिल जाता है जिससे थोड़ा सा फेस वॉश करना थोड़ा सा फैंसी भी होता है, साथ साथ आपके डर्टी हैंड्स को अपने फेस पे टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, बहुत अच्छे से सूट करता है, और मुझे लगता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों को बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए भी आई थिंक सही रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ऑयली स्किन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि फेस वॉश करने के बाद उनकी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई फील हो, जबकि ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके फेस को ड्राई बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे ऑयली स्किन वालों के लिए भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ड्राइनेस वाली फील मिले। देन है मेरी ऑल टाइम फेवरेट फेस वॉश, प्लम ग्रीन की फेस वॉश। पता नहीं कितने बरसों से मैं इसके बारे में बातें करते हुए आ रही हूँ। अगर आप मुझे 4-5 years पहले से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको इस फेस वॉश के बारे में पता होगा ही, शायद आपने मेरे रिकमेंडेशन पे इसे ट्राई भी किया होगा। सो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, बहुत ही जेंटल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, 300 या फिर 350 के आसपास आपको ये मिल जाएगा। बहुत लॉन्गर टाइम तक आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा ही अमाउंट चाहिए होता है अपने फेस को वॉश करने के लिए। बहुत अच्छे से ये आपके फेस को क्लीन कर देता है, लेकिन थोड़ा सा भी ड्राइनेस आपको फील नहीं होगी। और अगर आप कोई DIY अच्छा सा ऑप्शन ढूंढ रहे हो अपने फेस को क्लीन करने के लिए, तो मुझे लगता है समर सीजन के लिए बेस्ट DIY ऑप्शन जो है वो है, आप कोई भी फोमिंग फेस वॉश के साथ थोड़ा सा रोज वाटर मिला सकते हो और थोड़ी सी लेमन जूस मिला सकते हो, और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हो। इससे आपकी स्किन की जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिमूव हो जाएगी, वो बिल्कुल अच्छा सा एक फ्रेशनेस फील होगा, और आपकी स्किन में अगर टैनिंग हो रही है तो टैन भी रिमूव हो जाएगी। देन फेस वॉश के बाद मेरी दो फेवरेट जो टोनर है वो है कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर टोनर। सो अभी मेरे हैंड में है कामा आयुर्वेदा का लेवेंडर वाटर बेसिकली, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा है रोज़ वाटर। वो बहुत अच्छा टोनर है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है। सो आप सबको मैं कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर ही ज़्यादा सजेस्ट करूँगी या फिर रिकमेंड करूँगी, तो इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसी का ही लिंक प्रोवाइड करूँगी, मतलब कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। और उसके साथ और एक ऑप्शन ये भी है आपके फेस को टोन करने के लिए, वो है पिलग्रिम की रेड वाइन फेस मिस्ट एंड टोनर। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बजट में है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर आपकी बजट हाई है तो आप कामा आयुर्वेदा का रोज़ टोनर ले सकते हो, मतलब कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी बजट थोड़ी सी लो है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब जो प्राइस आप इसके लिए पे कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी इज़ रियली ऑसम। तो ये जो है ये फेस मिस्ट है, ये आपकी स्किन में अप्लाई करने के बाद आपकी फेस जो है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होगी, बहुत ही ज़्यादा नरिश्ड फील होगी। तो ड्राई स्किन वालों को डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूँगी, और जो नॉर्मल या फिर ऑयली स्किन वाले हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी कामा आयुर्वेदा का रोज़ वाटर। वो मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ, और जब भी मैं घर जाती हूँ थोड़ा सा स्प्रे करती हूँ, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड सूदिंग लगता है, एंड डेफिनेटली आपके स्किन को भी थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ताकि वो पी सके और हाइड्रेटेड रह सके। सो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए रिसेंटली मैं जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो है ये है स्क्वालिन ग्लो मॉइस्चराइज़र फ्रॉम पिलग्रिम। ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी पसंद है, और थोड़ा सा क्वांटिटी इज़ एनफ फॉर योर फेस एंड नेक, तो इसी वजह से ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूँगी। और नाइट टाइम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डॉटिन की सीसा कामिंग नाइट जेल। ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है नाइट टाइम के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, बस अप्लाई करके सो जाओ और नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग दिखती है, बहुत ही हाइड्रेटेड फील होता है, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद है नाइट टाइम के लिए। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं आप सबके साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन शेयर नहीं कर रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ नहीं हो जाओ। सो डे टाइम के लिए ये है मेरी मॉइस्चराइजर, एंड
एंड नाइट टाइम के लिए ये है मेरी मॉइस्चराइजर। तो आप इन दोनों में से किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हो, मतलब अपनी डे टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए या फिर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए। देन सनस्क्रीन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट समर स्किन केयर रूटीन की। ऐसे तो पूरे ईयर ही सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हम इंडियंस जो है वो कभी कभी विंटर सीजन में भूल जाते हैं, लेकिन समर्स में बिल्कुल नहीं भूलते। तो सनस्क्रीन के लिए मेरे पास आप सबके लिए एक ही ऑप्शन है, ये भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं बिल्कुल भी आप सबको कन्फ्यूज नहीं करूँगी। इवन यही मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये है न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा शियर ड्राई टच सन ब्लॉक विथ SPF 50+। सो डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड करूँ, इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर अभी तक आपने इसे ट्राई कर लिया है तो आप सबको ये कैसा लगता है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अगर ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। बाय द वे, जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सारे प्रोडक्ट्स की परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं मैंने अमेजोन से लिया है, क्योंकि अमेजोन में बहुत अच्छी डिस्काउंट चल रही थी, तो मैंने सोचा जब मैं इस वीडियो के बारे में शेयर कर ही रही हूँ क्यों ना डिस्काउंटेड प्राइस में सारी चीज़ों को लिया जाए। सो मेरी नाइट स्किन केयर रूटीन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है टेकिंग केयर ऑफ माय अंडर आई एरिया। एक्चुअली आप सबको पता ही होगा हमारी जो अंडर आई एरिया है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हमारी नॉर्मल स्किन से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोर्स नहीं होता है जिससे कोई भी नॉर्मल ऑयल या फिर सीबम प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो फाइन लाइन्स या रिंकल्स है वो सबसे पहले आँखों के पास ही आता है। तो इस एरिया को बहुत अच्छे से नरिश रखना, मॉइस्चराइज रखना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से मैं अंडर आई सीरम यूज करती हूँ नाइट टाइम में। सो जो अंडर आई सीरम मैं अभी यूज कर रही हूँ वो है पिलग्रिम की स्क्वालेन रोल ऑन अंडर आई सीरम। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मेरे अंडर आई एरिया को बहुत अच्छे से नरिश एंड मॉइस्चराइज रखता है। और इसका जो पैकेजिंग है यू कैन सी, इसमें एक इस तरह की मेटल की बॉल है और आप जब भी पंप करोगे तो इससे प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। और ये जो मेटल बॉल है बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, तो आप जब भी इसे अप्लाई करते हो ना अपने आंखों के पास तो बहुत ही सूदिंग फीलिंग आता है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो इस समर सीजन में जो मैं फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ वो है बॉडी वाइज की 2% सैलिसिलिक फेस सीरम। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस सीरम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम होती है। पर्सनली मैंने देखा है जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मेरी जो नोज़ एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन फील होती है मुझे, इवन स्मूथ हो जाता है। ऐसे तो आप सबको पता ही होगा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स इज़ अ रियली कॉमन स्किन इशू, लेकिन समर सीजन में ये जो प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जिनको ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपके स्किन पोर्स में डीपली जाके स्किन पोर्स को क्लीन करता है, क्योंकि इसमें 2% सैलिसिलिक एसिड है। इवन ये जो परसेंटेज है ये भी बिल्कुल परफेक्ट है आपके स्किन के लिए। सो अगर आप अच्छा सा कोई फेस सीरम ढूंढ रहे हो जो आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर दे तो उसके वजह से तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कोई DIY फेस सीरम यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि DIY फेस सीरम भी मेरे लिए बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। तो समर सीजन में जो DIY फेस सीरम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है थोड़ी सी एलोवेरा जेल के साथ सिर्फ 1 drop ऑफ ग्लिसरीन। दोनों चीजों को मैं अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख देती हूँ और स्किन केयर करने के टाइम थोड़ा सा लेके अप्लाई कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से एक फेस सीरम की तरह ही वर्क करता है। तो मेरी जो बेसिक समर स्किन केयर रूटीन है डे टाइम एंड नाइट टाइम के लिए वो तो मैंने शेयर किया है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं वीकली यूज़ करती हूँ, मतलब वीकली जिस दिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है मैं अपने स्किन को पैम्पर करने के लिए उन्हें यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैं आप सबके साथ इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो जो सारे प्रोडक्ट्स मैं शेयर कर रही हूँ उसमें मैं आप सबके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज़ कर सको। तो मेरी वीकली पैम्पर रूटीन की एक मेन पार्ट है फेस मास्क। सो DIY फेस मास्क मैं यूज़ करती हूँ, उसके बारे में भी मैं शेयर करूँगी। और उसके साथ साथ जो मार्केट वाली फेस मास्क मैं यूज़ करती हूँ उसमें से एक है ये है पॉन्सी क्ले मास्क। इसमें आपको 2 variant मिल जाएगा, एक है शार्कुल फेस मास्क एंड अनदर इज आई थिंक इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस मास्क। और इन पाउचेस को आप 1 या 2 बार करके यूज़ कर सकते हो। ये आपको ट्यूब पैकेजिंग में भी मिल जाएंगे, तो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उन्हें मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी इस डिटॉक्स मास्क को ट्राई करने के लिए। बहुत ही अच्छे से अमेजिंगली वर्क करता है ऑयली स्किन वालों के लिए। और जिनकी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है वो इस स्किन ब्राइटनिंग फेस मास्क को ट्राई कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ब्राइट कर देता है। तो किसी भी इवेंट में जाने से पहले, समर सीजन में होता है ना बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो जाता है, डल हो जाता है, तो उससे पहले आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा।
समर सीजन में मोस्टली लोगों की जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है और सेम तरीके से हमारी स्किन रिएक्ट नहीं करती हर सीजन में, तो हो सकता है आपकी स्किन ड्राई हो जाए। तो अगर आपकी स्किन ड्राई होती है तो आपको सबसे पहले जो करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे। साथ साथ कुछ हाइड्रेटिंग फेस मास्क भी आप ट्राई कर सकते हो वीकली बेसिस पे। तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है लॉरियल पैरिस की रिवाइटलिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड फेस मास्क, ये शीट मास्क है, और उसके साथ साथ गार्नियर की विटामिन सी शीट मास्क, दोनों ही बहुत अच्छा है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। सो इन्हें मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ, जब भी मैं यूज़ करती हूँ मैं फ्रिज में रखती हूँ, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड बहुत ही अच्छा फील होता है स्पेशली समर सीजन में, तो आप चाहे तो इन्हें यूज़ कर सकते हो। समर सीजन की और एक मस्ट हैव प्रोडक्ट है नोज स्ट्रिप्स, चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो आपके पास होना ही चाहिए। स्पेशली मैंने देखा है जब भी मैं नोज स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ, जब भी मेरे भाई या फिर शुभो देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि अरे यार मुझे भी एक दे दो, तो इसीलिए मैं हमेशा बहुत सारे स्टॉक करके रखती हूँ डिफरेंट ब्रांड्स की, सारे ही काफ़ी अच्छे हैं, आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है हिप हॉप की नोज स्ट्रिप्स, आपको एक पैकेट में आई थिंक 3 स्ट्रिप्स मिल जाएंगे, आई थिंक 100 या 110 ऐसा ही इसका प्राइस है, डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ है जेजू वॉल्कनिक लावा नोज स्ट्रिप्स, इनकी क्वालिटी इज रियली ऑसम, बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप चाहते हो पूरा 90 या फिर 95% ब्लैक हेड वाइट हेड्स रिमूव हो जाए एक ही स्ट्रिप से, तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए, इनकी क्वालिटी इज रियली ऑसम। ये अराउंड 300 आपको मिलेगा, लेकिन 5-6 स्ट्रिप्स आपको एक ही पैक में मिल जाएगा। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है इनिसफ्री की जेजू वॉल्केनिक ब्लैकहेड 3-स्टेप प्रोग्राम। सो इसमें आपको 3 स्टेप एक के बाद एक फॉलो करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फैंसी है, थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी है, तो आप चाहे तो इसे भी यूज़ कर सकते हो। इसे भी मैंने इसे पहले एक बार यूज़ किया है, तो इसकी भी क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है। सो मेरी वीकली पैम्पर रूटीन में और दो प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ यूज़ करना, वो दोनों है ये। सो फर्स्ट है पिक्सी ग्लो टॉनिक, आई थिंक इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा अगर आप ब्यूटी लवर हो, स्किन केयर में इंटरेस्ट रखते हो। सो ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर टोनर है, बेसिकली ये जो है केमिकल एक्सफोलिएट की तरह काम करता है, ये आपके स्किन से डेड स्किन सेल्स की लेयर को रिमूव करता है। इसे आप एवरीडे यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको शायद वीकली एक बार या फिर दो बार आप यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद आप देखोगे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होगी, क्योंकि डेड स्किन सेल्स को ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं डेफिनेटली आपको इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, अदरवाइज और सारे जो स्किन टाइप्स के लोग हैं डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन कम्प्लीटली वर्थ इट है, क्योंकि एक ही बार यूज़ करने से ही आपको डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है। देन ये जो प्रोडक्ट है ये है कामा आयुर्वेदा का नलपा मलदी तैलम, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी शेयर किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इवन ये सिर्फ मैं ही नहीं, मैं और ट्विगी दोनों ही यूज़ करते हैं वीकली एक दिन। ऐसे ये थोड़ा सा स्टेन छोड़ता है, अगर आप इसे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कुछ व्हाइट कलर का कुछ छू लो या फिर कोई भी ड्रेस पहन लो तो वो थोड़ा सा येलो सा हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। तो मैं मोस्टली शावर लेने से पहले वीकली एक दिन अपने पूरे स्किन में, स्पेशली फेस बॉडी पूरे बॉडी में ही एक्चुअली मैं अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं शावर ले लेती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्किन ऑयल है जो आप अपने फेस एंड बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, और ये आपके स्किन को ब्राइटन अप करता है। तो जो भी वुड बी ब्राइड्स है उनके लिए मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड करूँगी। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। आप सबके लिए सारे प्रोडक्ट्स की परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सारे प्रोडक्ट्स को आप इजीली अमेजोन से ले सकते हो। सो मेरे आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।